देश के किसी भी गांव में जहां की आबादी 7,000 हो और वहां 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया जाए, वहां विश्वविद्यालय से लेकर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, स्टेडियम, हवाई अड्डा, ऑल वेदर स्विमिंग पूल, इंडोर स्टेडियम और न जाने क्या क्या अत्याधुनिक सुविधाएं के साथ 24 घंटे बिजली की सुविधा सहित राज्य की सारी सुविधाएं मुहैया हो। और तो और हर साल करीब 200 करोड़ रुपए खर्च कर सैफई महोत्सव मनाया जाता हो, क्या उस जगह को आप गांव कहेंगे? तो हाँ दोस्तों, ऐसा एक गांव है जिसका नाम है सैफई। सैफई गांव के पास अपनी हवाई पट्टी, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, ऑल वेदर स्विमिंग पूल, मेडिकल कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स हॉस्टल के साथ बहुत कुछ है जो शायद देश के किसी गाँव में नहीं है। कुश्ती प्रेमियों के लिए मशहूर सैफई 2 दशक पहले खेती पर निर्भर रहने वाला गांव था, जहां जमीन का बड़ा हिस्सा बंजर था। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का यह जन्मस्थान तेजी से अपना चोला बदलकर आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और खेल केंद्र के रूप में तब्दील हो चुका है। 7,000 की स्थानीय आबादी और 5,000 आप्रवासियों वाले इस इलाके में महानगरों वाली सुविधाएं मौजूद हैं। पिछले 2 दशकों में यादव परिवार की छत्रछाया में सैफई चौड़ी सड़कों, पानी, 24 घंटे बिजली, फ्लैट और विला की सुविधाओं से सज धज गया है और अपने छात्रों, डॉक्टरों और खिलाड़ियों को गुड़गांव की कोठियों में रहने वाले उच्च वर्गीय लोगों जैसा ही रिहायशी माहौल दे रहा है। यहां हवाई पट्टी भी है जिस पर महीने में कम से कम एक बार शिवपाल और अखिलेश यादव के कदम भी पड़ते हैं। सैफई में 2 सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल है। उनमें से एक है सुघर सिंह मेमोरियल, मुलायम के पिता के नाम पर, जिसका संचालन शिवपाल के नेतृत्व में निजी ट्रस्ट करता है। हायर एजुकेशन के लिए गांव के बाहरी इलाके में 65 एकड़ जमीन पर डिग्री कॉलेज बनाया गया है, जहां आज साइंस और कॉमर्स जैसे विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी में MSc और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स भी शामिल किया गया है। सैफई से थोड़ी दूरी पर विकसित आधुनिक बस्ती में रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च है। 200 सेकंड भी अधिक डॉक्टरों और करीब 300 नर्स स्टाफ वाला मेडिकल कॉलेज भी है। 12 जनवरी 2005 को इसके उद्घाटन के मौके पर जब मुलायम ने इलाज के लिए आए मरीज के आवेदन पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद से अब तक यहां 81 लाख रुपयों का इलाज किया गया है। शीशे के दरवाजे से लेकर लाल लाखा ग्रेनाइट फर्श तक इस गाँव को सुविधाओं से समृद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। चौधरी चरण सिंह पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल 44 वर्षीय राम शंकर यादव कहते हैं, नेताजी ने सैफई के लिए जो किया, अगर हर नेता अपने संसदीय क्षेत्र के लिए करे तो भारत की समस्याओं का हल हो जाएगा। सैफई देश में उन गिने चुने गांवों में से है जहां हर तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए इन्फो गुरुदेव चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मिलते रहेंगे हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले। ये बिल्कुल फ्री है।